सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। तो आज एक बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, इसका आज का जो रिक्रूटमेंट है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। गाइस, आज मैं आपको दो जॉब अपडेट देने वाला हूँ और ये जो रिक्रूटमेंट निकली है और ये जो जॉब अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए हैं। तो जो लोग ये बी बी टेक वाले ये वीडियो को देख रहे हैं आप स्किप करके जा सकते हो, बट गाइज हमारे मेहनत के लिए एक लाइक करके ज़रूर जाना। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट। थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ उसकी वजह से आपको थोड़ा सा लेट अपडेट मिल रहा है, बट मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई भी जॉब मिस नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अच्छा जॉब आपसे मिस हो जाए। तो वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं तो वेबसाइट के विजिट करते रहा करो edogrown.in पे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। बट जल्दी मैं अपनी जो सीरीज़ है इसको और अच्छी तरीके से और कंटिन्यूस करूँगा। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, न्यू ईयर से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे लाने वाला हूँ, जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दो और रेगुलरली और इससे भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि आज टेलीग्राम पर अगर आप हो गए तो टेलीग्राम पर मैंने कुछ जॉब्स डाला था, प्राइवेट कंपनी का जॉब है, तो जो भी ऑपरेशन एक्सपीरियंस वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी मेरे पास पर्सनली जॉब्स आते हैं छोटे मोटे कंपनीज के, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की जो रिक्रूटमेंट है IOCL की तरफ से जूनियर इंजीनियरिंग और जूनियर असिस्टेंट इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। दूसरा बात करें, ऑक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, ठीक है। ACE कंपनी है, इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोनों में डिप्लोमा वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। डिप्लोमा वाले अगर आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से अगर आपने कर रखा है, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। अब हम वन बाई वन इसके डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट करते हैं, बट गाइज उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अपडेट के लिए। चलिए देखते हैं, और सबसे पहले गाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट है IOCL, तो IOCL की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली है, जूनियर इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 की, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट 4 की रिक्रूटमेंट है, जिसमें टोटल 3 ही पोस्ट हैं, जिसमें एक जनरल वालों के लिए, एक SC और एक OBC NCL वालों के लिए और एक PWD वालों के लिए हैं, ठीक है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट में एक पोस्ट है जो कि ST वालों के लिए हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 फायर एंड सेफ्टी में एक पोस्ट है जिसमें जनरल वाले, नॉट जनरल, OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टोटल देखा जाए तो 5 पोस्ट निकला हुआ है। हाँ, पोस्ट कम है, बट क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल यही आया है, सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका कोई गेट वगैरह से बिल्कुल नहीं जुड़ा है, आपका इनका एग्ज़ाम इंटरव्यू देखे आप डायरेक्ट इसमें मौका पा सकते हो, ठीक है। सैलरी 25,000 से लेके 1,00,000 के आसपास रहेगा, और फर्स्ट मंथ में आपकी सैलरी मैं बता रहा हूँ 30,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, टिके रहोगे तो इसमें, ठीक है। आगे हम इसमें और भी चीज़ें बात करेंगे गाइज। यहाँ पे आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत है तो चलेगा, बट ज़्यादा है तो नहीं चलेगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल की जो रिक्रूटमेंट है, जिसमें अगर आपने पूरा का पूरा 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, ITI के बाद डिप्लोमा आप करते हो तो 2 साल का ही रहता है, तो नहीं चलेगा। पूरा का पूरा 3 साल का डिप्लोमा अगर आप कर रखे हो इलेक्ट्रिकल से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 50% से ऊपर मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। गाइज, मैं कोशिश करता हूँ फ्रेशर्स के लिए वीडियो बनाने के लिए, बट 1-8 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई जॉब आता है तो मैं अपडेट करता हूँ। रीज़न क्या है कि बहुत से लोग जो ऐसे हैं 1 साल के अप्रेंटिसिप पे या फिर ऐसे में हैं, तो यस, अगर आपने अप्रेंटिसिप भी कर रखा है तो वो भी एज एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे कंक्लूड किया जाएगा। तो फॉर्म भरना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अप्लाई करना है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो BSc फिजिक्स केमिस्ट्री से या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कर रखे हो, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट में, HPLC में चलेगा। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स NFSC से कर रखे हो, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए,
ठीक है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें बताया गया, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह आपको यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, सो इसकी एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हो मिनिमम एज 18 साल से कम के आपके एज नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 26 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए जनरल EWS वालों के लिए एज ऑन 30/11/2020 तक। बाकी जो SC ST OBC वाले हैं 3 साल 5 साल 10 साल का जो छूट मिलता है यहाँ भी आपको मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसकी जो देखो साफ साफ लिखा है अप्रेंटिसिप वगैरह कर रखे हो IOCL रिफाइनरी से या कहीं से भी 30/11/2020 से पहले कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सीधे से लिखा है अप्रेंटिसिप जो आपका है वो भी एज एक्सपीरियंस यहाँ पे कंक्लूड किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। पेपर्स वगैरह बता ही दिया हूँ क्या मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ रिटन टेस्ट होगा, स्किल परफॉर्मेंस फिजिकल टेस्ट होगा, आफ्टर दैट इंटरव्यू और देन आपका डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होने को है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है, इसके तो अप्लाई करने का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि डायरेक्ट आप यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सके, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है गाइज, इसकी जो लास्ट डेट है आप देख सकते हो 21/12/2020 21 दिसंबर से पहले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है भैया वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। अगर कहीं आपको दिक्कत वगैरह आता है तो ये मेल आईडी दे रखा गया है, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वारीज क्लेरिफिकेशन चाहिए नंबर ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है आप यहाँ पे डालकर इनसे पूछ सकते हो, हमसे भी पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो आज का अगला जो जॉब है उस पर हम चलते हैं। तो आज का जो अगला जॉब है गाइस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, ACE ये कंपनी है। इसमें दो पोस्ट निकली हुई है गाइस, एक तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी की निकली है जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक और पोस्ट निकला है जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल की पोस्ट, ठीक है, ट्रेनी की। तो यहाँ पे अगर इनकी डायरेक्ट हम अपनी इनकी वेबसाइट पे चलते हैं आपको भी आइडिया हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लिंक मैं दे रखा हूँ, क्लिक करना है और डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे पहुँचने के बाद ये देखो नीचे आओगे तो देखोगे लेटेस्ट में इन्होंने दो जॉब अपडेट किया है, एक तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी की पोस्ट है, एक टेक्नीशियन ट्रेनी की। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी की जो पोस्ट है दिल्ली NCR जॉब लोकेशन रहेगा, दोनों का जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली NCR है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, जस्ट क्लिक करना है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो अर्जेंट रिक्वायरमेंट, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है गाइज, आप जैसे अप्लाई करोगे अगर उनको पसंद आया तो डायरेक्ट आपको वो बुला लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड आपकी रहेगी, जॉब लोकेशन आपका दुधोला क्या क्या है यार फलवाल जजरू बालागर लोकेशन, ठीक है, दिल्ली के आसपास ही शायद हैं ये सब। डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन से तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे 12,000 स्टाइफंड पर मंथ आपको दिया जाएगा, आफ्टर कंपटीशन 1 साल कंप्लीट करने के बाद 14,000 स्टाइफंड दिया जाएगा और 2 साल कंप्लीट करने के बाद 16,000 CTC पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग असेंबली ऑफ हार्वेस्टर एंड रोटावेटर प्रोडक्ट्स का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उनका काम करना उस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिजायरेबल कैंडिडेट प्रोफाइल में एजुकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन है, अप्लाई कर सकते हो, बाकी डिटेल वगैरह पढ़ सकते हो। अप्लाई कर जैसे कि यहाँ ऊपर में अप्लाई करोगे तो दो तरीके से अप्लाई विथ naukri.com के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपना नाम ईमेल आईडी डालकर डिटेल डालकर रिज्यूम अच्छा सा बनाना जिसमें जो चीज़ें ये मांग रहे हैं। रिज्यूम गाइज ऐसा ही बनाना है जो चीज़ें कंपनी मांगती हैं जो ढूंढती हैं, थोड़ा भी उसके बारे में नॉलेज है तो रिज्यूम में पुट कर दो, ठीक है, करके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है, आपका काम ओवर, ठीक है। दूसरा जो था टेक्निकल ट्रेनी की पोस्ट है, टेक्निकल ट्रेनी में अगर आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रिकल से तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी आपको दी जाएगी यहाँ पे, बाकी डिटेल के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया तो जरूर लाइक करके जाना, विदाउट लाइक किए बिल्कुल मत जाना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ऐसा ही अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।